हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्नो महेश के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप टेली ईआरपी लाइन के अंदर जीएसटी का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, यानी जीएसटी टैक्स का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसे थोड़ा थ्योरिकली जान लेते हैं कि जीएसटी का टैक्स मॉडिफिकेशन जो होता है वो क्या चीज़ है और हम कैसे यूज़ कर सकते हैं टेली ईआरपी लाइन के अंदर और कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंसी रखती है। तो देखिए, टैक्स मॉडिफिकेशन होता क्या है। टैक्स मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई सामने वाली पार्टी है जिससे आप कोई माल या कोई स्टॉक आइटम परचेज करते हैं और आप वो स्टॉक आइटम अपने टेली ईआरपी लाइन के अंदर 18% पे, मतलब कि टेली ईआरपी लाइन के अंदर रखते हों, यानी कि आप जो टेली ईआरपी लाइन के अंदर बिल पास करते हैं किसी स्टॉक आइटम का, मान लीजिए कि कोई मोबाइल है, मोबाइल को आप 18% के ऊपर परचेज करते हैं, लेकिन ऐसे कोई स्पेसिफिक बिल के अंदर वो गलती से 28% पर आता है, तो आप उसे स्पेसिफिक बिल के लिए उस रेट को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि उस 18% को 28% पे कैसे ले जाए और 28% वाले को 18% पे किसी एक स्पेसिफिक बिल के लिए कैसे करें, तो वो चीज़ को हम समझेंगे। इसे ही हम बोलते हैं कि टैक्स मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं अपने नाम की एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के नाम ने मैंने एक कंपनी क्रिएट कर ली है। इसे मैं इंडिया में लगते हुए स्टेट के अंदर राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसको मैंने स्टेट राजस्थान में सेलेक्ट करके और इसकी जो डेट है 1 अप्रैल से ही, 1 अप्रैल 2018 से हम रख लेते हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मतलब टेली ईआरपी लाइन कोई शॉर्टकट कमांड नहीं बताऊंगा या फिर कोई स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं टैक्स मॉडिफिकेशन के बारे में ही चर्चा करने आया हूं। तो मैं सिर्फ टैक्स मॉडिफिकेशन के बारे में ही चर्चा करूंगा और बाकी सबको, अगर जैसे आपको कोई टेली में कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, डिलीट करना या फिर बैकअप रिस्टोर हुआ और ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख ले, उसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके अंदर F11 प्रेस करके और F11 प्रेस करेंगे, F11 प्रेस करके F3 प्रेस करके यहाँ से GST को ऑन कर लेंगे। ये GST ऑन कर लेंगे, स्टेट में राजस्थान रखता हूँ मैं, रेगुलर डीलर हूँ और यहाँ पे आप अपना GST नंबर डाल ले। मैं यहाँ पर ऐसे ही अपने मन से एक GST नंबर डाल रहा हूँ, 105। ये गलत है जबकि इसको मुझे सही डालना चाहिए था। और मैं इसे 1 अप्रैल 2018 से एप्लीकेबल कर देता हूँ, मंथली रख लेता हूँ मैं। और देखिए, इसके अंदर एक नए ऑप्शन और जुड़े हैं, ये ऐसे तो पुराने हो चुके हैं, ई वे बिल सिस्टम। इसके ऊपर भी मैं आपको एक ट्यूटोरियल बना के इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा कि ई वे बिल क्या होता है, इसे आप कैसे जनरेट कर सकते हैं और आप इसे ऑनलाइन कैसे जनरेट कर सकते हैं और टेली ईआरपी के अंदर आप इसे कैसे मेंटेन करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए हो सके तो मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसी के ऊपर रखना चाहूँगा अपना, ठीक है। और यहाँ से मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा, ये कर लिया है मैंने से एक्सेप्ट, ठीक है। अब मैं डायरेक्टली अकाउंटिंग वाउचर पे आऊँगा, अकाउंटिंग वाउचर पे आके F9 प्रेस करके यहाँ से परचेज वाले इन्वॉइस, यानी परचेज इन्वॉइस पे आकर यहाँ से एक इन्वॉइस बनाऊँगा। डेट रख लेता हूँ मैं 1 अप्रैल 2018, ठीक है। 1 अप्रैल 2018 को मैं बनाऊँगा डेट, पार्टी का नेम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए ABC लिमिटेड के नाम से मैंने एक पार्टी क्रिएट कर ली है और इसे मैं संडे क्रिएटर्स में रखते हुए और राजस्थान में रखते हुए इसकी GST डिटेल को यस कर दूंगा और इसे रेगुलर में या अनरजिस्टर्ड में जैसे आप लेना चाहे वैसे आप ले लें और इसका GST नंबर डाल दें। मैं इसका ऐसे GST नंबर डाला है, ये गलत है जबकि मैं सही नंबर नहीं डाल रहा हूँ। यहाँ पे परचेज लेजर क्रिएट कर ले, परचेज इसे आप परचेज के अंडर रखें और इस पर GST एप्लीकेबल करना चाहे तो कर ले। कई लोग इसके ऊपर एप्लीकेबल कर लेते हैं लेकिन इसके ऊपर एप्लीकेबल कैसे होता है कि आपको स्पेसिफिक करना पड़ता है कि आप 18% पे बना रहे या फिर 28 पे, तो आपको अलग अलग बनानी पड़ जाती है, जैसे कि परचेज 28% परचेज 18%। कई लोग ऐसे करते हैं बट अधिकतर लोग जो GST रेट है वो स्टॉक के ऊपर लगा देते हैं,
इससे परचेज लेजर हमको सिर्फ एक ही बनानी पड़ती है, परचेज और सेल्स की अलग अलग नहीं बनानी पड़ती है। कई लोग इसे इनपुट आउटपुट के रूप में भी बांट लेते हैं अपने हिसाब से, लेकिन मैं आपको स्टॉक के ऊपर जीएसटी रेट लगा के फिर बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेता हूँ मोबाइल का, इसको मैं नंबर्स में लेते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ जीएसटी एप्लीकेबल, और मैं इसी के ऊपर जीएसटी रेट एप्लीकेबल कर देता हूँ। इसको मैं ऑन वैल्यू करते हुए टैक्सेबल ले लेता हूँ 18% के साथ, कि मोबाइल में परचेज जो करता हूँ हमेशा 18% पे ही करता हूँ, और इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है जी, ये कर लिया। अब जैसे मान लीजिए मैं 25 क्वांटिटी ख़रीदता हूँ 2500 के हिसाब से, तो ये पड़ जाएंगे मेरे लिए 62,500 की। अब इसके अलावा मुझे इसके ऊपर जीएसटी लगाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से सीजीएसटी, अभी है नहीं तो मुझे बनाना पड़ेगा, सीजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में लूँगा, सेंट्रल टैक्स है, और यहाँ से इसे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। ये देखिए जीएसटी लग चुकी है। एक में लगा देता हूँ एसजीएसटी, ऑल्ट सी प्रेस करके एसजीएसटी ड्यूटी एंड टैक्सेस जीएसटी स्टेट टैक्स, और इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। ठीक है जी, ये बना दिया। अब देखिए बिल बन गया 73,750 रुपये का, कितने के हिसाब से। अगर मैं ऑल्ट ए प्रेस करके, यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा है, हाँ ये रहा, ऑल्ट ए प्रेस करके टैक्स एनालिसिस पे जाके चेक करूँगा, और यहाँ से ऑल्ट F1 करके इसकी डिटेल देखूँगा, तो मेरे कितना कितना परसेंट लगा है टैक्स, 9% अब मान लीजिए कि कोई ऐसी पार्टी है जो आपको मोबाइल, कोई स्पेसिफिक मोबाइल 28% में बिकता है, तो वो आपको 28% में बेचेगी। अब आपके स्टॉक में तो जब आप देखेंगे कि भैया मेरे पास तो स्टॉक में सिर्फ एक ही मैम मोबाइल जिसको मैं 18% पे परचेस करता हूँ, अब मैं किसी एक बिल को कैसे करूँ, तो इसका समाधान, इसी को हम बोलते हैं टैक्स मॉडिफिकेशन करना, कि इसी आइटम को हम 28% में भी ले लें किसी एक स्पेसिफिक पार्टी के लिए। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसका ई वे बिल निकालना चाहे तो निकालें, एक्सेप्ट कर लें। अब मैं यहाँ पे एक नया वाउचर क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे पार्टी का नाम मैं चलो वापस ABC ही ले लेता हूँ, ABC ले लिया। अब यहाँ पे परचेज लेजर लेंगे, यहाँ पे वही मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे 30 मोबाइल परचेज कर रहा हूँ वही 2500 रुपये के रेट के हिसाब से। अब इस पर मुझे GST लगानी होगी, CGST और SGST, कैसे चेंज हो गया, ABC और SGST। अब देखिए जब मैं इसको ऑल्ट ए प्रेस करके वो ऑल्ट F1 प्रेस करके देखूँगा, तो इस पर भी 9% लग रहा है, जबकि ये बिल मेरे लिए 28% पे आया, यानी कि 14% लगना चाहिए था, गलत लगाए ना। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब देखिए इससे समझेंगे। सबसे पहले आप अपनी पार्टी का नेम डालें, उसके बाद परचेज लेजर सेलेक्ट कर ले, उसके बाद अपना स्टॉक डाले, फिर आप ऑल्ट F12 प्रेस करेंगे, अपन सिर्फ F12 प्रेस करना है आपको। जब F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल फॉर GST, इसे हम यस कर लेंगे। जैसे हम इसे यस करेंगे तो यहाँ पर ये कंप्लीट, जैसे हम इस पर जाएंगे, एक मिनट सॉरी, देखिए यहाँ पर जैसे हम परचेज पे आएंगे तो यहाँ पे हमसे बोल देगा क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, कि आप इसे क्लासिफाइड करें कि आप इसे किस में ले रहे हैं। जैसे मैं स्पेस बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे कंप्लीट खुल जाएगा मेरा, कि मैं इसे इंटीग्रेटेड टैक्स में ले रहा हूँ या फिर परचेज टैक्सेबल में ले रहा हूँ, कैसे ले रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन खुल रहा है, अब जैसे आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे तो इसमें और भी ऑप्शन खुल जाएंगे। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं, जैसे कि अलाउ ओवरराइड एलिजिबल इनपुट क्रेडिट, यानी कि आप इनपुट क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल है नहीं है, इसके लिए बोल रहे हैं इसको आप, चाहे अगर आप एलिजिबल नहीं है तो उसको यस करें, फिर वहाँ से इसको यस कर दें, जिसमें उसको यस करके आपको बता देता हूँ उसका ऑप्शन भी। ये रिवर्स चार्ज के लिए है, इसे आप यूज़ करना चाहे तो कर लें, और अलाउ ओवरराइड सैंपल वैल्यूज़, अगर आप वैल्यूज़ को इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इसे भी आप यस कर लें, ओवरराइड टैक्स रेट्स इसको भी आप यस कर लें, और ओवरराइड लेस कैलकुलेशन इसको आप छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं इतना। देखिए जैसे आपने सारे ऑप्शन यस करें तो हमारे सामने इसकी नई विंडो खुल गई। सबसे पहले उसमें आ रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर, तो हम मान लीजिए हम परचेस टैक्सेबल ले लेते हैं क्योंकि माल तो टैक्सेबल ही है। अब बोल रहा है इज़ एलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, यानी कि आप इनपुट क्रेडिट के लिए बाध्य है, मतलब कि आप लेने लायक है नहीं है, तो हम है तो इसे यस कर रखें, अगर आप बाध्य नहीं है तो इसे नो कर दें, और ये रिवर्स चार्ज लगाना चाहते हैं तो इसे यस करें, नहीं लगाना चाहते छोड़ दें। अब बोल रहा है इंटीग्रेटेड टैक्सेस, कि यहाँ पर ये माल हम लेते हैं जो मोबाइल है, हम इसे 18% पे लेते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक बिल के लिए हम कितने पे ले रहे हैं इसको, 28 पे ले रहे हैं, तो हम इसे 28 सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम इसका
सेज तो लगाना चाहिए तो लगा दें, और इसमें एक ऑप्शन और है बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए अलाउ ओवरराइड सेज वैल्यूएशन, इसको भी हम यस कर लेते हैं ताकि आपको इसको भी बता ही दूंगा एक बार ये यूज़ कब होता है। देखिए एक मिनट, सॉरी, देखिए इसके अंदर और भी ऑप्शन खुल गए हैं, जैसे कि करंट में कितना है, वैल्यूएशन टाइप क्या है आपका, बेस पर है, बेस्ड ऑन वैल्यू है, एक होता है जैसे कि आइटम वाइज भी हो जाता है इसके अंदर, तो ये उन सब के ऑप्शन है। वैसे ये ऑप्शन हम, मैंने आपको भी बताया कि ये बहुत ही कम यूज़ होता है, हम इसे F12 करके इसे नो ही कर लेते हैं, ठीक है। और ये आपके लिए काफ़ी सिंपल फॉर्मेट है, आपके अच्छे समझ में बैठ जाएगा, इसे आप अच्छे समझ सकते हैं। और एक सेकेंड, Alt F12, यस यस, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे सामने कंप्लीट ओपन हो गए। इसके हम बोलते हैं टेक्स्ट मॉडिफिकेशन। जैसे हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो अब आप देख सकते हैं आपका जो टेक्स्ट का टैक्सेबल वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे आ गया टेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिटेल्स, जो एक ऑप्शन हम पीछे ऑन कर रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ वापस ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। और ये F12, देखिए ओवरराइड टैक्स रेट आ रहा है, ये तो हमने यस कर लिया। इसके अलावा ये अलाउ ओवरराइड असेंबल वैल्यूज़, कि आप वैल्यूज़ को भी इफेक्ट डालना चाहते हैं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका ऑप्शन यहाँ पे आएगा। देखिए ये आ गया टैक्सेबल वैल्यूज़, कि आप टैक्सेबल वैल्यू जो आप टैक्स लगा रहे हैं वो 75,000 रुपये लगा रहे हैं, कम पे लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम 65,000 रुपये टैक्स लगा रहे हैं तो हम 65,000 रुपये लगाएंगे, अगर हमारा टैक्स 70,000 रुपये लग रहा है तो 70,000 रुपये लगाएंगे। तो ऐसे आप इसके रेट भी चेंज कर सकते हैं। ये कब यूज़ होता है ये भी आप जान ले कि यार जब बिल पे, जब इसकी बेस्ड वैल्यू 75,000 है तो हम 75,000 रुपये टैक्स लगाएंगे, 70 रुपये क्यों लगाएंगे, ये आदमी तो पागल बात ही कर रहा है। तो इसका भी आपको कारण बताता हूँ। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप कोई आइटम मंगा रहे हो, अब वो आइटम एक्चुअल में तो है हमारे पास 70,000 का, लेकिन उसका किराया भाड़ा सब कुछ लग के हमारे लिए 75,000 पड़ गई, तो उसका बेस्ड वैल्यू तो क्या मानेंगे हम, 75 ही मानेंगे। जैसे अगर कॉस्ट जोड़ी जाए उसकी तो 75,000 रुपीज़ ही मानेंगे हम उसकी, लेकिन जो GST है वो 70,000 पे ही वो अप्लाई करेगा। तो आप इसी तरह यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं 75,000 रुपये ही लूँगा, अगर आपकी सेम वैल्यू है कि आप टैक्सेबल वैल्यू 75 भर रहे हैं, ये भी 75 है तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये 75 पे ही रेट लेगा आपकी। अगर आपकी 65,000 है तो आप 65,000 भर दे तो 65,000 के हिसाब से रेट लेगा, ठीक है। लेकिन मैं इसको 75,000 रुपये ही लूँगा, ठीक है। ये देखिए ये हो गया, अगर आपका ई वे बिल है तो आप ई वे बिल ले इसको। अब हम ऑल्ट ए प्रेस करके, हम ऑल्ट F1 प्रेस करके इसकी डिटेल देख लेंगे। देखिए ये हमारा 14% पर ले रहा है, ये स्टार जो है, इस स्टार, ये छोटे से स्टार जो आपको दिख रहे हैं दो, इसका मतलब है आपने इसको ओवरराइड कर लिया, यानी कि जहाँ जहाँ पे स्टार है इसका मतलब है कि आपने इसकी मॉडिफिकेशन किया है, ये इसके मॉडिफिकेशन का अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे स्टार मतलब है वैल्यूशन ओवरराइडन बाई यूजर्स, यानी कि इसकी जो वैल्यू है उसको ओवरराइड किया गया है, यानी कि उसका मॉडिफाई किया गया है, कहने का मतलब, समझ रहे हैं आप इस बात को अच्छे से। तो ये हमारे लिए हमारा बिल एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए हमने इसमें मेन चीज़ क्या है कि हमारा स्टॉक आइटम तो एक ही था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए हमारे पास स्टॉक आइटम तो एक ही है, मोबाइल, इसे हम कितने पे ले रहे हैं, इसे हम ले रहे हैं 18% पे, जबकि हमने एक बिल इसी स्टॉक आइटम का 18 पे लिया है और इसी आइटम को हमने 28 पे भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो यही होता है टैक्स मॉडिफिकेशन, कि आप किसी एक स्पेसिफिक बिल के लिए उस स्टॉक की रेट यानी GST रेट को आप चेंज कर ले, अपने हिसाब से मॉडिफाई कर ले। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आपको लगे कि यार ये वीडियो अच्छा नहीं बना, या फिर समझ में नहीं आया, इसको वापस बनाना चाहिए, या फिर इसके और डिटेल में बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ईवे बिल के ऊपर भी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं। ईवे बिल इतनी कठिन चीज़ नहीं है, सबसे पहले आप ये जान ले, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, उसमें कोई कठिन चीज़ नहीं है। तो ईवे बिल के ऊपर भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूं। मेरे पास एक्चुअली में टाइम का थोड़ा कमी है, मैं खुद एक जॉब करता हूं तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता इतना,
देखिए मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ जो मैं खुद प्रैक्टिकल से सीखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके अंदर सामने वाले को दिक्कत आ सकती है करने में, तो वो चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। अभी तो जैसे कि मैं आपको इसमें कुछ बेसिक चीज़ें और बताऊँगा कि वो हम यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि हमारा बैंक रिकनसाइल हुआ उसके अंदर कुछ ऐसे मैं आपको ट्रिक्स दूंगा कि आप इसे फटाफट बैंक रिकनसाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास देखिए सबसे पहले तो आप जान लें कि जो टेली बनाया गया है वो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट आता रहता है। अपडेट का मतलब ये होता है कि आपको उसके अंदर कुछ नया, कुछ अच्छा और कुछ सिंपल करके दिया जाए उस चीज़ को। अभी ये टेली मैं जो चला रहा हूँ आपके सामने 6.4 का रिलाइज है, यानी कि इसकी जो सीरीज है 6.4 है, जबकि इसका अपडेट आ चुका है 6.4.1 इसका अपडेट हुआ है। इसके अंदर ईवी बिल के सिस्टम को सुधारा गया है। एक्चुअल में जो 6.4 था इसके अंदर ईवी बिल सिस्टम में जब हम एक्सेप्ट करते थे, जिसके हमने कोई बिल एक्सेप्ट किया, मैं आपको बता देता हूँ उसका भी, जैसे भी हमने बिल एक्सेप्ट किए दोनों, तो यहाँ पर जैसे कि हम इसको अगर नो करके एक्सेप्ट करते थे ना, तो यहाँ पर एक एरर आता था सर। लास्ट में इसको एक्सेप्ट करते यहाँ पे इसका एक एरर आता था जो कि 6.4.1 के अंदर उस एरर को ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप ई वे जीएसटी डिटेल को नो कर देंगे तो वो एरर नहीं बताएगा, तो इससे लोग कन्फ्यूज होते थे। ये एक सिंपल प्रोसेस कर दिया था टेली ने, और साथ ही साथ में इसमें कुछ नए अपडेट्स भी आए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। और अभी भी फिर भी मैं आपको जैसे कि थोड़ा बैंक रिकनसाइल के बारे में हल्का सा बता देता हूँ कि हम बैंक रिकनसाइल कैसे करते हैं, उसको और सिंपल कैसे बनाया जाए कि हम फटाफट बैंक रिकनसाइल भी कर लें। हम कई लोग तो बैंकिंग पर जाकर और बैंक रिकनसाइल पर जाके करते हैं कि यहाँ से हम बैंक डेट डालेंगे और वहाँ से बैंक रिकनसाइल कर लेंगे। मेरे बैंक रिकनसाइल ओपन नहीं हो रहा क्योंकि अभी अभी मैंने आपके सामने एक कंपनी बनाई है, इसके अंदर कोई बैंक एंट्री नहीं कर रखी है मैंने, इसलिए मैं आपको इसका और भी सिंपल तरीका बताऊंगा। डिस्प्ले अकाउंट कैश पे जाकर DAC, देखिए यहाँ पे कोई नहीं आ रहा क्योंकि मेरा कोई कैश बैंक बना हुआ ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से। तो इसके ऊपर मैं हो सके तो आपको नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर बना के दूंगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों से को बताना चाहूँगा कि टेली ARP9 का मैं जल्दी ही एक ट्यूटोरियल डालने वाला हूँ कम्प्लीट, वो बिगिनर्स के लिए स्टार्टिंग करूँगा मैं वापस से, यानी कि कुछ नए तरीके से कि आप फटाफट कैसे टेली ARP9 को सीख सकते हैं और अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ी वो हेल्प मुझे भी मिलेगी ताकि मुझे भी थोड़ा बढ़ावा मिले कि मैं आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा सिखा सकूं। अब बस आज के लिए इतना ही ज्ञान, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वापस बोलता हूँ, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।